स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। आप सभी ने IAS दीपक रावत का नाम तो शायद सुना ही होगा। वो बड़े ही पॉपुलर है यूट्यूब में। उनकी अपनी एक चैनल भी है और अपने काम के वीडियोस भी डालते रहते हैं। जो वो इंस्पेक्शन के लिए या विजिट के लिए जाते हैं उसके वीडियोस भी डालते हैं। तो आज वो हमें चार धाम के एक साथ दर्शन कराने वाले हैं। तो देखते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। ओए, ये गुफा में जा रहे हैं क्या? ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे? तो धीरे ऊपर धीरे चढ़ रहे हैं। फुल स्टोरी। तो पाताल भुवनेश्वर का रास्ता कहाँ से शुरू हुआ? यहीं से शुरू। आप पाताल पाताल भुवनेश्वर से आ रहे हैं? हाँ, अंदर से आ रहे हैं। आप कहाँ से? हम वाराणसी। फ्रॉम वाराणसी। कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अद्भुत। लगा कि हाँ ईश्वर है। अभी बहुत सारी गुफाएं और हैं, हम डेवलप करेंगे 2 साल में। ट्राई माता जी, आपको भी अच्छा लगा? मत बहुत आनंद आ गया ना, जबकि इसमें तो जाना थोड़ा सा, तो मतलब चेन में पकड़ के। कल शायद कोई बेहोश हो गया अंदर, बोले अकेले। हाँ, बोले पहली बार देख लेती, मतलब ओल्ड लेडी अंदर की। बहुत अच्छा, माता जी शक्ति है तो। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक धारणा अनुसार यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इस गुफा की ओर जाती हुई पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना एवं नक्काशीदार विभिन्न भगवानों की जटिल छवियां देखी जा सकती है। प्योर हिंदी थी, कुछ कुछ तो समझ में भी नहीं आया। ये पहली जगह ये अच्छा एफर्ट किया है कि मानस खंड के कोर्ट्स डाले हैं, है ना? शूज पहन के जा सकते हैं सर। This awesome cave is believed to be as old as the earth itself. It has been mentioned in detail in the 103rd chapter of Manaskand of Skand Puran. The first human entered this cave was King Rituparna, जो आप कह रहे थे. For worship this cave priest, Bhandari family came from Kashi. अभी भी भंडारी यहाँ के पुजारी होते हैं? आप भंडारी जी हैं? नमस्ते नमस्ते। तो भंडारी जी, आप लोग काशी से आए होंगे? अच्छा, अभी भी उनके बेटे ज़्यादा से है तो देख रेख करते हैं, तो अच्छी बात है। बहुत ही आनंद आ रहा है इसमें तो पंडित जी। हाँ जी साहब, अंदर ठंडा है साहब, है ना? हाँ जी। ये बताइए पंडित जी, जो गुफा मिली होगी तो कि सीढ़ियों वाली आकृति थी, ये पहले से नहीं होगी? नहीं, थोड़ा थोड़ा बनाई है ये सीढ़ियाँ, सिर्फ चंदा और कचूरी लगा हुए। अच्छा यार, वो माता जी कैसे आई होंगी? आई हिम्मत कर ली होंगे ना? बहुत रिस्की लग रहा है। लाइट कैसे लगाई है पंडित जी? फिर लाइट सर बाद में मंदिर कमेटी से हमने लाइन बिछाई। इन्वर्टर लगा है? हाँ जी साहब। अच्छा अच्छा, इन्वर्टर की अलग लाइन डाली और लाइट की अलग डाली। बहुत बढ़िया। तो इसमें पंडित जी आमतौर पर से कितने श्रद्धालु आते हैं इसमें? सर आजकल तो 398 के पास। ठीक है ठीक है, आ जाओ। आपने चेन लगवा दी, इससे बड़ी सहूलियत है साहब। ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वालों से बात हुई। हाँ हाँ, उनसे रिक्वेस्ट की थी हमने, उन्होंने ये चेन दी फिर। एएसआई ने लगाया है? हाँ जी, उनको। छोटी जगह है, अद्भुत तजुर्बा हो रहा है इसका। आकाशलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक, हम पाताल में अभी। हाँ जी, पाताललोक में हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश अभी। तो ये जो सीढ़ियां बनाई कत्यूरी राजाओं ने और चंदों ने जी सर, कहीं कोई वो नहीं होता दिया जैसा है वैसा। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जितनी भी पुरानी जगह होती हैं उससे ज्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान ने बना के जय हो। आपका क्या नाम? मेरा किशन सिंह बहरा। मेहरा जी, बड़े हम्बल। तो हमारे कमिश्नर साहब हैं। हाँ मेहरा जी, हाँ मेहरा जी। आपका डीएम साहब भी, डीएम साहब भी आए हैं। और क्या दर्शन करने कमिश्नर बन गए। अब पंडित जी आप थोड़ा हम बताएंगे जी जी इसका पौराणिक महत्व और मतलब क्या क्या, हमें थोड़ा बताइए। आप लोगों का पाताल में स्वागत है सर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। इस पाताल में सबसे बड़े साहब शेषनाग है। अरे वाह, ये आप देख रहे हैं ना, पूरी आकृति शेषनाग की बनी है। वाह वाह। और शेषनाथ जी ने पृथ्वी को अपने ऊपर समाया सर, ऊपर से पृथ्वी है। हाँ दिख रही है जी, अपने ऊपर इन्होंने समाया है पृथ्वी, अपने ऊपर भार ले लिया। हाँ जी साहब। और मुंह खोला है शेषनाथ जी ने अपने,
इनके मुंह से सर हमारा प्रवेश है। हम शेषनाग किले में चले गए। हाँ जी, हाँ जी। इसके बीच में आप देखिए साहब, ये उनकी विष थैली है। ओहो, जिसमें जहर होता है ना? जहर होता है इसमें। विष थैली है ना जी शेषनाग की। बहुत बढ़िया। ये आप देखिए सर, ये भी कुंड है। ओहो, वाह वाह। आप देख रहे हैं पान के पत्ते के आकार में बना सर यज्ञ कुंड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इसका ऐसा पौराणिक महात्म्य है सर, राजा परीक्षित के लड़के जो जन्मेजय हुए उन्होंने यहाँ पर सर्पों का यज्ञ किया। अच्छा। जितने भी पाताल के नाग थे उन्होंने सब यहाँ जला दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम सब नागों को जला देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा। लेकिन एक नाग सर इस यज्ञ से भाग गए थे। कौन कौन थे? तक्षक। तक्षक नाग। हाँ हाँ, ये आप देखिए सर, आज भी वो तक्षक जो है प्रत्यक्ष रूप में पाताल में उन्होंने सर, ये आप देखिए। ओहो, ये जो आते हैं यही तक्षक नाग है। हाँ जी साहब, यहाँ से गए। रिश कितना इंटरेस्टिंग है, देखो ये सर, ये देखो जी साहब, तक्षक नाग पूरे ये देखिए साहब, यहाँ से गए यूं टर्न लिया, आज भी मौजूद है यहाँ। हाँ जी साहब, वाह। और इनके बगल में आप देखिए सर, ये बासुकी नाग है। जी जी पंडित जी, ये बासुकी नाग। हाँ जी साहब। अच्छा, ये बासुकी ने इनको नहीं मारा था? नहीं सर। और तक्षक को भी नहीं मारा? तक्षक को तो भाग गए। तक्षक ने बाद में डंक मार दिया उनको, राजा परीक्षित को। ये बासुकी नाग भी भाग गए थे? नहीं, ये बासुकी वो है जो सागर मंथन में निकले सर। अच्छा, जिसका रस्सा बनाया गया था ना, जिससे समुद्र मंथन हुआ। हाँ जी, उनसे पहले अमृत। जी सर, ये वही बासुकी हुई। बस इसके अंदर सभी नाग बताए गए, इच्छाधारी नाग भी इस पाताल के अंदर निवास करते हैं भगवान के साथ, ऐसा उल्लेख है। जी जी जी, वाह, इतना अच्छा कुछ समझ ऊपर से नहीं। अब आप देखिए सर, शेषनाग जी के मुंह से हमने प्रवेश ले लिया है, ठीक है, और जिनके ऊपर हम चल रहे हैं जमीन में, ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। ये पूरी पूरी पताल की हड्डी है सर, शेषनाग की हड्डियों। और सर सबसे बड़ी बात यह है सर, ये सब मिट्टी का है जमीन में, जो ये बनी है, हाँ, जो रीढ़ बनी है नेचुरल होने की वजह से भी आपकी जिंदा है। मैंने ऊपर से देखा। अब यहाँ का हम महात्म्य देखेंगे सर, ये आदि गणेश है। ये आदि गणेश है, तो इस जगह का ऐसा उल्लेख है सर स्कंद पुराण में। जी, इस गुफा का वर्णन आता है स्कंद पुराण में, वेद व्यास जी ने लिखी है, स्कंद में। हाँ जी, तो उसमें ये चित्र है सर, गणेश जी का सिर यही कटा था पताल में और जुड़ा भी नहीं था। तो ये वो स्थान है सर, ये आप देखिए धड़ है इनका, धड़ है। हाँ जी, और ये इनकी श्वास नली है जो कटने के बाद दिखती है, ठीक। ये आप देखिए सर भोजन नली है, और ये आप देखिए ये गले की नस है सर, गले की। हाँ जी सर, गणेश जी की, गणेश जी की। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ सर, पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जब हाथी के सिर को लाने की बात आई, ठीक ठीक, तो सहस्त्र दल कमल का फूल, ये आप देखिए सहस्त्र दल कमल का फूल है, इससे अमृत का छिड़काव किया गया इनकी कटी हुई गर्भ, और जब तक कि हाथी का सिर नहीं, तब तक अमृत छिड़कते रहे। जी जी, अभी भी ऐसे, अभी भी ये ग्रीव गिरती है सर। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो व्यक्ति पाताल भुवनेश्वर में दर्शन करते हैं उनको चार धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होता है। उन्हें मिलेगा ना ये केदारनाथ, इसीलिए वीडियो कट है जी। और इसके बगल में आप देखिए सर, पंचपत्री, पंचपत्री बने हुए। हाँ जी, विष्णु है, कुबेर है, लक्ष्मी है, गरुड़ है, यम है। वाह। और इनके ऊपर में आप देखिए अमरनाथ जी है, अमरनाथ जी, और अमरनाथ जी की गुफा भी है सर, वैसी ही गुफा है, ऐसे ही दिख रहा है जैसे अमरनाथ जी है। और ऊपर से आप देखिए साहब, ये अमरनाथ जी की जटाएं भी है जो वहां बर्फ की बनती है। अब आप देखिए साहब, ये काल भैरव की जीभ है, काल भैरव। हाँ जी सर, भैरव कुत्ते को गा गया सर। ये आप देखिए साहब, पूरा मुंह खोला इन्होंने अपना, ये आपको देखो अंदर गले का हिस्सा दिख रहा है, ये इतना गहरा है। हाँ हाँ, आगे तो गुफा है सर इसमें, आगे भी। हाँ, गुफा है, मैं गया उसकी गर्भ तक। आप जा रखे हैं? हाँ जी सर, अंदर जगह है जिसमें 10-15 आदमी आ सकते हैं। आप पहले थी क्या क्या है इसके 5 मीटर के बाद गर्भ है अंदर में, ठीक। ये उनकी जीभ है। तो इसका पौराणिक उल्लेख ऐसा है सर, जो व्यक्ति इस कलयुग में अगर वो काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके इनकी पूंछ तक अगर आदमी निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अरे वाह, मोक्ष प्राप्ति का था, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप तो चले गए थे ना सर, सिर्फ गर्भ तक ही गए। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो पूंछ का टनल है इसका वो बहुत डिफिकल्ट है। ओके ओके। इसके सामने आप देख रहे सर, ये है पाताल की देवी, पाताल की देवी। हाँ जी सर, माँ भुवनेश्वरी इनका नाम है सर, ठीक। आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है, ऊपर जो आप देख रहे हैं आंखें हैं सर इनकी, भुवनेश्वरी माता। हाँ जी सर, पाताल की देवी, पाताल की देवी। हाँ जी,
इतनी ज्यादा अद्भुत जगह है जी सर, फिर भी मुझे लगता है कि शायद मतलब काफी लोग जानते हैं पता भुवनेश्वर को, काफी लोग नहीं भी जानते होंगे मुझे। हां जी सर, अभी है ना शीश जी, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना। इस पाताल को जो हम देख रहे हैं अलग अलग युगों के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रथम द्वार है सर, इसका नाम है पाप द्वार। चार दरवाजे हैं यहाँ, ये प्रथम द्वार है, इसका नाम है पाप द्वार। इसका ऐसा उल्लेख है सर, सबसे ज्यादा पाप हुए थे रावण के शासनकाल में, यानी रावण की मृत्यु के पश्चात साहब ये दरवाजा बंद हुआ। ये आप देखिए इस पत्थर से इसको पूरा बंद किया गया सर, नहीं तो इसके अंदर भी गुफा थी, ठीक है, ऐसा जिक्र है पुराना सर इसका। अच्छा, इसके बगल में आप देखिए सर धर्म का दरवाजा है जहां से आप अंदर आए, धर्म का दरवाजा जी, ठीक। इसका पुराना जिक्र है सर, किसी भी व्यक्ति का धर्म से प्रवेश, इसलिए ये दरवाजा यहां से दिया गया सर, इसलिए धर्म का द्वार नाम दिया उनको। इसके पीछे आप देखिए सर, ये जो आप देखे रण का द्वार है, रण, हाँ, महाभारत की लड़ाई हुई सर, महाभारत की लड़ाई के पश्चात ये रण का दरवाजा बंद हुआ, ठीक। अंदर हम जाएंगे सर, ये भी दरवाजा, तो इसका बताया गया सर जब कलयुग की समाप्ति हो जाएगी उसके तत्पश्चात इस मोक्ष का भी पतन हो जाएगा। अच्छा, उसमें लेकिन एक चीज लिखी है कि धर्म का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, ठीक। अब आप देखिए सर, यहाँ से चारों दिशाओं का गुफा है, हमने मोक्ष द्वार में प्रवेश किया है जी। अब जिधर को आप नजर मानेंगे वहां आपको गुफाई नजर आएगी सर, चारों हर जगह। हाँ जी सर, ये अब क्या पता कितनी लंबी पंडित जी है ना, कोई नहीं कह सकता। अभी गए हैं सर, थोड़ी थोड़ी दूर आप से आप गए थे पंडित। हाँ जी सर, थोड़ी थोड़ी गुफा में सब गए, बहुत ही गहरा है। हाँ जी सर, अरे यार मैजेस्टिक है ये तो, ये क्या है? हाँ सही है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर गंगा जल के सात कुंड है, अच्छा, पहला ये है उसमें भी जल है, दूसरा इससे ऊपर में है उसमें भी जल है, फिर तीसरा है, चौथा है, फिर पांचवा है, फिर छठा है, पांच कुंड, सातवा है, सात कुंड है सर। इसमें थोड़ा सा जल में हाथ लगा लो। हाँ जी सर, ये पानी कहाँ से आता होगा? ये सात कुंड है सर, इसका पुराण में जिक्र है सर, ये अमृत जल कुंड है, अमृत जल है जी। तो हुआ क्या साहब, ये हंस को पहरेदार रखा गया, इसको पहरेदारी में रखा गया ताकि कोई इनके पहरेदार नहीं, अमृत के। हाँ जी साहब, आगे चलेंगे जी। ये आप देखिए सर, भगवान शिव की जटाएं हैं, ये वाइफ जी की जटाएं हैं, शिव जी की ये जटाएं हैं भगवान की, इनमें भागीरथी गंगा बह रही है। ये तो आप देखिए सर, 33 कोटि देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता स्नान कर रहे हैं, 33 करोड़ नहीं कोटि। सर आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो है इस देवी, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ये सब, तो बहुत ही अद्भुत है। इसमें आप हाथ लगा के देखेंगे सर, काई नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है सर। शेषनाग के अंदर है ना? हाँ जी सर, आगे भी जाएंगे, अभी हम जाएंगे लास्ट पांडव देखेंगे फिर वापसी। अरे वाह पांडव, कितना डीप है और कितना बड़ा है। अब आप देखिए अच्छा साहब, ये जो आप देख रहे हैं यही मेन स्थान है, ये पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है, ठीक। इस लिंग में जो ये दावे की प्लेट है सर जी, ये जो मेटल देख रहे हैं आप जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगा 8वीं शताब्दी में, गंगोली हाट महाकाली की शक्तिपीठ पाताल भुवनेश्वर के एक टाइम में लगेगी सर। अच्छा, और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से कैलाश यात्रा की पैदल, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही स्थापित किया, कैलाश यात्रा गए थे शंकराचार्य जी, यहाँ से पैदल पैदल गए सर जी। तो इसमें आप देखिए साहब, तीन त्रिमूर्ति में ही शिवलिंग है, ये आप देखिए ब्रह्मा जी खड़े हैं, विष्णु जी सैया में लेटे हैं, ये शंकर जी हैं, ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शंकराय, महेश कलाल के मुख शंकराय के मुख श्री पाए करो प्रति के कराय के मुख श्री पाए करो शंकराय के मुख कराय के मुख श्री शंकराय के मुख श्री महेश कराय के मुख रत्ना कल्पो जलांगम श्री भुवनेश्वराय नमः, श्री भुवनेश्वराय नमः, वस्त्रम समर्पयाम नमः, ओम श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ये असल काशी वाली गुफा,
काशी वाली गुफा जी, जहाँ से आप लोग आए थे। अच्छा भंडारी तो काशी से है ना? हाँ जी सर। वाह इतना इंटरेस्टिंग है आपको सर। अच्छे आने में तो नहीं फिसलेंगे? फिसलेंगे सर। फिसलेंगे में थोड़ा थोड़ा। हाँ सर अंधेरा है आपको लाइट ये पांडव की पांडव की हाँ जी सर। यहाँ से चारों दिशाओं को गुफाएं जाती हैं सर। अच्छा यहाँ देखिए स्वर्गारोहण बद्रीनाथ। स्वर्गारोहण वाला ये जो आप देख रहे हैं और दूसरा बद्रीनाथ वाला है ये दो पैनल है इसमें। ये जो है कैलाश मानसरोवर का मार्ग है सर। ये जो आप देख रहे हैं कैलाश मानसरोवर का ये आप देखिए बल्कि इसको अगर गौर से हम देखें तो पूरे कैलाश सरोवर की इसमें झांकी दी हुई पांडव जो है शंकर जी के साथ चौपड़ खेल रहे इसमें साहब ये पांच पांडव है जो सामने आपको नजर आ रहे हैं पांच पांडव। पीछे आप देखिए भगवान शंकर जी है गोद में गणेश जी को लिया उन्होंने आगे माँ पार्वती हैं। वाह यार ये चौपड़ की गोद है सर। क्या इंटरेस्टिंग है तो यहाँ पर ये चौपड़ गोदी में रखे वो दिखाई ये है सर शिव जी ने बिठाया हाँ जी ये पार्वती जी ये पार्वती ये गोद है चौपड़ के आगे ठीक रिंग जैसे दिख रहे हैं देखने वाले लोग है जो इनके चौपड़ का आनंद ले रहे हैं ये आनंद ले रहे ना जी। सब आपको पीछे बहुत आराम से मुड़ना है बहुत ही आराम से हाँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फिसलन है यहाँ पे नीचे से तो ये लगता है सर कि बंद है। हाँ नहीं लगाओ पर इतना बड़ा स्पेस हो तो सर चलना नहीं ना ऊपर से ऊपर भी सर को भी अचानक ओके यहाँ पर भी बैठ गया सर। इसके बाद जितना बैठ के उतना और बैठना ही इसमें सुरक्षित है जी जी उठना ही नहीं है जी जी बैठ की तो चिंता ही नहीं करनी जी जी आप तो ये ऊपर भी लेते ना इसमें पंडित जी सब में बने ना यहाँ उसका मस्तक है ये उसके कान है सर एक इधर है एक पीछे सर ऊपर सिर का ध्यान ये तो दिख ही रहा है हाथ कान भी दिख रहे हैं सर। हाँ जी ये आप देखिए सर सूंड है उनके हाँ। और इधर से आप देखिए साहब ये उसके दिखाने वाले दांत हैं आगे के जो आप देखे अब आप इसको बाहर से सफर से करेंगे सर वही हाथी नुमा लगेगा ये ऊपर आप सिर बचाना था सर आपने हाथी को टच किया है सर। हाँ सही में ये हाथी है सर इसके हजार पैर है साथ यहाँ से ये आप देखो नहीं तो पूरे हजार पैर थे सर ये आप देखो हजार पैर थे इस साइड में है सर ये जो आप देखे ना पूरे पैर है सारे अभी यहाँ से आगे भी गुफा है ये देखिए आगे देखिए लंबा स्पेस है ये उसमें नहीं गए वहाँ भी गया हूँ सर उसमें भी जा रहा हाँ हाँ ये तो बहुत आगे जाने के बाद फिर इसमें कुंड जैसे भी आते हैं बड़े मुश्किल से घसीट के जाना पड़ा वहाँ पूरा लेट के आदमी तन नहीं ले सकता है लेकिन आप चले गए हाँ जी हाँ ये काफी स्पेस सांस लेने में और सांस लेने में आ रही सर लास्ट में उसका प्रचार प्रसार करेंगे स्पेस उतनी नहीं है ना यहाँ पे 700 यहाँ पे तो बहुत लोग आने चाहिए मैं तो कभी नहीं जाता इसको हम प्रचार प्रसार करेंगे लोगों की यात्रा पूर्ण हो चुकी है सर अगली यात्रा सुमंगल देखो कि हाथी के हजार पांव हैं ये चीज है सबसे बड़ी और उसके दांत इतने बड़े बड़े और देख ले पांडव पुत्र पांच के पांच भाई अब ये खैर अब तो ये ठीक हमने वीडियो देखी लेकिन ये एक ही जगह पर सब कुछ कुछ एक जगह था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो क्या जगह थी मुझे तो पंडित जी ने जो सब बताया उसमें से कई सारी चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आई और जो रेफरेंस दे रहे थे वो मुझे
उसके बारे में पता नहीं है तो मुझे ये सब समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो पाताल लोक है, जो इतनी सारी गुफाएं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी ये वीडियो देख के, क्योंकि अगर कमिश्नर साहब वहाँ पे नहीं जाते और वीडियो नहीं इसके बारे में बताते बनाते तो मैं तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं और शायद देखता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस जगह के बारे में। और अच्छी बात है कि कमिश्नर जी वहाँ पे गए विजिट करने के लिए, शायद उनका मकसद ये होगा कि वहाँ पे जाके देखे कि कैसी व्यवस्थाएं है और ये पूरी इसकी हिस्ट्री क्या है, और शायद इसको डेवलप बाहर से डेवलप करे और इसको प्रमोट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसके चार धाम के दर्शन करें। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये जो पंडित जी है उसके उनके पास भी बहुत अच्छी नॉलेज है, शायद उन्होंने किताबें भी पढ़ी होगी और अपने फैमिली से ही ये चलता आ रहा है, तो उन सब से भी नॉलेज ली होगी और आज इतना जानते हैं। और ये सब सभी गुफा में पंडित जी शायद जाके आए हैं, तो लकी है कि उनको जाने का मौका मिला। मैं तो शायद इसमें नहीं जा सकता, सफोकेशन जैसी हो जाएगी। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।